बहुत एक बात बताऊं कि श्याम सिंह के लिए इतना कमाल का बिजनेस करना है, वरना हम तुमने इतने सेव करेंगे कि मैं भूल हो जाओगे कि श्याम सिंह के लिए। और अल्लाह मुझे भाई ने बोला कि तो कहां से लाइन बनती है, वो रोज बातचीत में बनती है। तो फिल्म लाइन बातचीत में एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हम दबंग की शूटिंग कर रहे थे तो सलमान भाई कहते चले यार सोनू खाना खाने चलते हैं, और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया हम लोग चलने लगे। और सलमान भाई ने पूछा कि सोनू यार तू लंबा बड़ा है, तू कंफर्टेबल है ना गाड़ी में? मैं कह रहा सलमान कि कानून के हाथ और सोनू सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो बोला यार लाइन बड़ी अच्छी है तो पिक्चर में यूज करते हैं, और अगले दिन हमने फिल्म में लाइन यूज की कि कानून के हाथ और सोनू सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया, क्योंकि उनको याद आ गया होगा ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे। थैंक यू। आज की हर बात को मजे में लेना है, किसी बात को ऐसा नहीं ट्रोल कर दीजिए कि बाद में चार पांच दिन हम ही लोग गाली देते हैं। मजा तो सर जब भी आएंगे तो दो लाइन आप ही गा देंगे। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा, अब सर मंच पर आए हैं तो दो लाइन सर आपको भी गुनगुनानी पड़ेगी। नहीं हम तो देखो ऐसा गायक हमारा खड़ा है, ये दाढ़ी इसकी पक्की नहीं है, रंगा है। हाँ रंगल को फैशने बार जी आरा जिला कर लो कौन बात नहीं। मैं आपको आपके हौसले जो उड़ रहे हैं ना इस समय श्याम स्टील के हौसले उड़ान पे हैं, तो मुझे एक वो हिंदी फिल्म का कोई गाना है वो याद आ रहा है, गुनगुनाऊं थोड़ा? बिल्कुल सर, हम तो वेट ही कर रहे हैं। उड़ने लगा है ये मन बावरा रे, आया कहां से ये ओ रे पिया, दूर तक है जाना ये सफर को बढ़ाना, भारत को नंबर वन बनाना, ओ रे पिया। अगर मेरी तरह आप लोग भी रोंगटे खड़े हुए पहले ही सामने तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एवरीबॉडी। मजा आ गया शाम और संध्या हो तो मैं गा ही सकता हूं कि चट देनी मार दे खींच के तो मारता ही हासले ही हासले बिटिया के पापा ही हासले। देखो आपके लोग सब बड़े ताल में हैं, ताली बजा के बता दिए कि रिदम की कमी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और अभी सर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा क्योंकि सब अभी स्टेज पर है ही है, तो सर आप यहाँ पर आए हैं उसका हमें बहुत ही आभार है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली हो जाए एवरीबॉडी। सभी जो हमारे डेलीगेट्स यहाँ पर डिग्निटरीज खड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज विराजमान हो जाएं।
क्योंकि अब असम की गलियों से आपके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आने वाली है, जैसा कि मैंने बताया, कितने लोगों ने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आए हुए, एक बार शोर मचा के